हेलो एवरीवन, आज हम शाही टुकड़े को एक हेल्दी रूप देने वाले हैं। ना तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और ना ही इसे फ्राई करने की ज़रूरत है, और आप कुछ मिनटों में ही बहुत आसानी से इतना हेल्दी शाही टुकड़ा बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 कप लो फैट दूध ले लेंगे, या जिसे टोन दूध भी कहते हैं, और इसे पहले एक उबाला आने देंगे, और फिर हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे उबलने के लिए, और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। अब हम इसमें कुछ धागे केसर के डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे आधी क्वांटिटी होने तक पकाएंगे, यानी जब ये कप तकरीबन 1 कप रह जाएगा, यानी इसकी रबड़ी तैयार हो जाएगी, तब तक हम इसे पकाएंगे। केसर का बहुत अच्छा कलर आ चुका है, अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। हमने यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि बिल्कुल ये रबड़ी जैसा तैयार हो गया है। अब हम इसमें मीठे के लिए शुगर फ्री नेचुरा डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह स्टीविया भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ ब्रेड रस्क, या जिसे ब्रेड टोस्ट कहते हैं, या जिसे रस्क भी बोलते हैं, यह हम चाय के साथ खाते हैं। ये हम प्लेट में लगा देंगे और इसके ऊपर हम ये रबड़ी जो हमने दूध के साथ तैयार की है इसे डाल देंगे। आप ध्यान रखें कि ये जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तभी आप इसे डालें। ये हमने सारे रस पर ये डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। सबसे पहले हम काजू डाल रहे हैं, थोड़े से बादाम डालेंगे, और फिर थोड़े से पिस्ता डालेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और इसे ये बिल्कुल तैयार है इस टाइम, और थोड़े से हमने केसर के धागे से सजा लिया है इसको। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, और उसके बाद आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करिए। और आपने देखा ये कितना मिनटों में और बहुत ही जल्दी आसानी से और इतना हेल्दी डेज़र्ट तैयार हो गया है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और पास ही लगी जो बेल आइकन उस पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें।